उधर बात करो वो कह रहे हैं बड़े अच्छे हालात हैं, इधर बात करो वो कह रहे हैं सख्त हालात हैं, आप भी कह रहे हैं सख्त हालात, समझ नहीं आ रही। नहीं वो तो ऐसे जिसकी दिहाड़ी लागी ठीक है, जिसकी नहीं लगी वो ठीक हो गया। वो कहने का मतलब है वो जिनसे आप बात कर रहे हैं ना, इनका होता है ये कस्टमर को यहाँ से पकड़ते हैं और वो फिर ना गाड़ी सबको दिखाना शुरू कर देते हैं हम जैसे डीलरों को, फिर वो जहाँ पर भी सौदा हो जाए अगर किसी का तो वो उनसे अपना जो खर्चा मर्चा ले लेते हैं उनके लिए ठीक है। तो हमने जब इनको भी पैसे देने हैं, दूसरे लोगों को भी पैसे देने हैं, तो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, ये दिक्कत है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, उनकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं जी, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं ना है उनके लिए ठीक है उनके। मैं बताता रहा हूँ आपको कि जिस बंदे की आप देखें ना, जो बेचने वाला था वो भी लेके चला गया, खरीदने लगा खरीद ली, इन्होंने अपना जो खर्चा था वो ले लिया तो ये सुकून में है। अब हमने जब उसको तैयार करना है, आगे से उसको सेल करना है, फिर शक्ल देखनी है, फिर गाहक ने आगे उसमें नखरे करने हैं, तो बस ये थोड़ा डिस्टर्ब है हमारे लिए। ये है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वो जो एक साल पहले खबर चली थी कि मोटरसाइकिल सस्ती हो रही है जी, वो तो सस्ती नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैंने ये सुनी है खबर, क्योंकि होंडा कंपनी ने अपना रेट बढ़ाया ही नहीं था, जब डॉलर नीचे आया तो फिर उसके बाद उनका रेट उधर का उधर ही है ना, वो बड़ा ना कम हुआ, तो कम ही नहीं हुआ ना कम, लेकिन रेट बढ़ के तो ऊपर गया था, लेकिन वो होंडा कंपनी ने अपना रेट नहीं था बढ़ाया, दूसरी चीज़ों ने हर चीज़ ने अपनी, क्योंकि उनको ये जो बड़े लोग होते हैं उनको सारा पता होता है कि ये अभी जंप लगना है फिर इसने नीचे आना है, इसलिए वो अपनी कीमत जो है ना उन्होंने उधर परफेक्ट रखी थी, बाकी हर चीज़ को फ़र्क पड़ा था और वो नीचे भी आई थी, लेकिन ये होंडा कंपनी ने ना उस वक्त ज़्यादा किया था ना कम हुआ, कम भी नहीं हुआ। कितने की है 70 इस वक्त है? एक कम 60 की है, 1,59,000 की। तो 1,59,000 तक कैसे पहुँची? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनका तकरीबन एक साल से रेट इधर ही रुका हुआ है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो सस्ती क्यों नहीं हुई, डॉलर भी तो नीचे आया, तो अब ये तो आप लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए, आपका कारोबार है आपको सवाल करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, हमारा कारोबार है, मोटरसाइकिल सस्ती होगी तो कारोबार भी तो चलेगा, क्योंकि वो ब्रांड है, वो हमें कहेंगे आपने लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, इनको तो इनको एक्शन लेगा जो बंदा का जिसका जिसके काबू में ये है, जो इनको आगे से बता सकते हैं कि आपके इस अब इतनी कीमत नहीं बनती क्योंकि पार्ट्स इतना आ रहा है। हम लोग तो हैं परचेज करने वाले और आगे से बेचने वाले, हमें वो कहेंगे दिल करता है लो नहीं दिल करता ना लो, तो आप इनके ऊपर आप जाके एक्शन करेंगे ना कि भाई ये देखे सारे पार्ट्स वगैरह लाख में या 1,25,000 में गाड़ी तैयार हो रही है। लेकिन खबर ये आती है कि आप ही जैसे खरीदने वाले मोटरसाइकिल बल्क में उठा के फिर ब्लैक में बेचना शुरू कर देते, आप भी तो नहीं, हमारा पार्ट है ना उसका, हमारा असल में ना यूज़ में है काम, ठीक है जो भी तो आती है सर। नहीं मैं देखे नहीं, जिसने 0 मीटर लिया ना वो मुझे सेल करने के लिए आ रहा है, जो 0 मीटर है ना वो सिर्फ जो कंपनी के होते हैं ना डीलर ऑथराइज डीलर उनको मिलती है बाइक्स। ये जो मार्केट है ये लाहौर ये यूज़ की मार्केट है, यहाँ पर ये स्लिम सन्स है जो यहाँ के होंडा के जो डीलर है ना जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है ये हैं, ये सेकेंड हैंड खरीदते नहीं है। अब वो आप यहाँ पर कितनी दफ़ा ऐसे होता है कस्टमर लेके जाता है घर जाता है कलर पसंद नहीं आया, 125 लेना था 70 ले ली, वो आ जाते हैं उसको वापस नहीं ले, उसको कितने पैसों का नुकसान होता है? उसको कम से कम उसको होता है 20,000 से 25,000 रुपये का नुकसान एक कलर की गलती पे, वो या कोई भी वजह हो गई, 20,000 जीरो मीटर लेके गया हाँ जी वापस आ गया जी जी 20,000 से 25,000 का नुकसान ऐसी है, क्योंकि अब मैंने अब 1,60,000 की है मिसाल के तौर पर, मैंने वो 40 की लेनी है, मैंने 1,40,000 रुपये लगा के कोई 5-10,000 रुपये कमाना मेरा हक है, और यहाँ पर उसी ने आना जिसने 0 मीटर लेनी होगी वो सीधा 60 वाली दुकान पे जाएगा कि सीधा शोरूम में जाऊँ मैं क्यों यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर तो वैसे भी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं है नहीं है वो टेंशन रहती है, और यहाँ पर फिर जहरी बात है जिसने सस्ती लेनी है वही आएगा लेने के लिए, वैसे नहीं आएगा, सस्ती वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।